राष्ट्र संत भय्यू महाराज ने अपने सुसाइड नोट के पहले पन्ने में मानसिक तनाव का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं फेड अप हो गया हूँ, जा रहा हूँ, कोई उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ संभाले। अब सुसाइड नोट का दूसरा पन्ना भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति के वारिस का जिक्र किया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसमें उनकी संपत्ति का वारिस ना तो उनकी बेटी कुहू, दूसरी वाइफ डॉक्टर आयुषी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं बनाया गया है, बल्कि अपने एक सेवक का भय्यू महाराज ने अपनी करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनाया है। यह सेवक है विनायक नाम का सेवक। सुसाइड नोट में भय्यू महाराज ने आश्रम के संचालन और संपत्ति देखरेख की सारी जिम्मेदारी विनायक को ही सौंपी है। उन्होंने लिखा है, विनायक मेरे विश्वास पात्र है, सब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वही संभाले। किसी को तो परिवार की ड्यूटी करनी जरूरी है, तो वही ये जिम्मेदारी निभाए। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं कमरे में अकेला हूँ और सुसाइड नोट लिख रहा हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं लिख रहा, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बता दे, विनायक करीब 2 दशक पहले महाराष्ट्र से इंदौर आया था। कुछ दिन इंदौर में गुजारने के बाद वह महाराष्ट्र से जुड़े और इंदौर में रहने वाले रसूखदार लोगों की मदद से भय्यू जी महाराज के साथ जुड़ गया। बताते हैं कि वक्त गुजरने के साथ विनायक ने काम करने के तरीके और सादगी से भय्यू जी महाराज का विश्वास जीत लिया। इस तरह विनायक कुछ ही सालों में भय्यू जी महाराज के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया। उस पर दिवंगत महाराज को इतना भरोसा था कि उनकी जिंदगी से जुड़ी हर बात उसे पता होती थी। पहली पत्नी माधवी की मौत के बाद बेटी कुहू की जरूरतों का ख्याल भी विनायक ही रखता था। वहीं महाराज को विनायक पर इतना भरोसा था कि उन्हें आने वाले सारे फोन भी पहले वह ही अटेंड करता था। इसके बाद ही भय्यू महाराज से बात हो सकती थी। बता दें, सोमवार को भी विनायक भय्यू महाराज के साथ उस समय था जब भय्यू महाराज पुणे को निकले थे, लेकिन एक फोन आने के बाद वे अचानक सेवा से ही लौट आए। जबकि महाराज के सुसाइड करने के वक्त घर में बुजुर्ग माँ के अलावा विनायक की मौजूद था।